पिताजी सन 2000 में पागल बने थे। मेरे पिताजी ओपी शर्मा जी सन 2000 में पागल बने थे, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। मेरे पड़ोसी समझदार थे, पागल ही बने थे, वो समझदार ही आज भी, वो मोटरसाइकिल में, मैं BMW में, बताओ पागल बन गया। और चलिए छोड़ो, मत सोचो RCM के बारे में, मत करो RCM, करोगे क्या? कोई रास्ता हो तो हमें बता दो, कोई रास्ता हो तो हमें बता दो, नहीं तो हमारी सुन लो, कुछ तो करो। क्योंकि आने वाले समय की छोड़िए, मैं आज की हकीकत बता देता हूँ। दुनिया में 3 तरह की कैटेगरी होती है, पहला आर्टिस्ट बिजनेस, दूसरी नौकरी, तीसरा व्यापार। व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, हमारे पास है नहीं, लेकर भी आ जाओगे तो पुराने मगरमच्छ खा जाएंगे। नौकरियां बची नहीं है, जोधपुर के अंदर वैकेंसी निकली थी 20,000 लोगों को कांस्टेबल बनाएंगे, लड़कों ने एग्जाम दिए 20 लाख, कितने सर? 20 लाख में से 20,000 को नौकरी मिल गई, कितने बच गए? 19,80,000 बच्चे, उनका क्या होगा? मत करो आरसीए, मुझे तो बताइए अब क्या करेंगे वो, और उनमें आपका बच्चा तो नहीं है, हो सकता नहीं है, है। क्योंकि हाँ, हमारे बच्चे के एजुकेशन पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, एक सप्ताह सोचते हैं कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब आपका बेटा बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए मार्केट में उतरा तो दूसरे के बच्चे सोते भी रहे, वो भी तो आएंगे। जब उनके बच्चे आपके बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे तो मुझे बताइए होगा क्या? पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोर तो नहीं हो रहे? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग ईमानदारी से जो बोर है? हेलो, ये कड़वा सत्य दिखा रहा हूँ, समझना, ये लाइफ का एक कड़वा पार्ट है। ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है, कुछ भी समझ लीजिए, राइट सर? इसमें आपने बच्चे को एडमिशन करवाया कि एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, यहाँ पढ़ लिखे, राइट सर? तो आपने करवाया तो दूसरों ने भी करवाया होगा। इस कॉलेज के अंदर 1,000 बच्चों का एडमिशन हुआ और ये 1,000 बच्चे इस कॉलेज के अंदर ये सोचकर आए एक दिन हम बहुत बड़े बनेंगे, राइट सर? ऐसे ही जाते ना कॉलेज, आप भी गए होंगे। ओके, 1,000 बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन एक सपने के साथ उतरे, लड़की मान लो चाहे लड़का मान लो, कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इसमें से 800 बच्चे सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन से पास हुए, राइट सर? कितने बच्चे? 200 बच्चे फर्स्ट डिवीजन और मेरिट के अंदर आए, ये बड़े इंटेलिजेंट है, ये बड़े होशियार है, और इनमें आपका बच्चा भी है, मान लो आपका बच्चा धीरू भाई अंबानी को पीछे छोड़ता है, मान लो आपके बच्चे आगे बिल गेट्स भी नहीं हटता, मान लो आपका बच्चा बाहुबली है, समझता तो मान लिया, आपका बच्चा इसमें है, कॉलेज का टॉपर है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है। आपके दिमाग पे जोर डाल के सोचना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आपका बच्चा इसके अंदर आता है, इंटेलिजेंट भी है, टॉपर भी है, लाखों रुपया खर्च भी कर दिया, आपकी बेटी हो चाहे आपका बेटा हो, स्कूल टॉप कर दिया, यूनिवर्सिटी टॉप कर दी, हिंदुस्तान टॉप कर दिया, सरकार ने वैकेंसी निकाली एक, क्योंकि बड़ी पोस्ट एक ही निकलती है या नहीं? और ये 200 बच्चों में लड़ाई हुई, मेरे को मिलेगी, 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 कितनों को मिलेगी? इसको मिल गई, 200 में से एक गया तो कितने बच्चे? अमेरिका क्या होगा, ये तो इंटेलिजेंट भी थे, होशियार भी थे, ये तो स्कूल टॉपर भी थे, कॉलेज टॉपर भी थे, गलती थी क्या कोई? अब इनका क्या होगा? और कहीं इसमें आपका बच्चा उस स्ट्रगल के अंदर नहीं है? अगर है तो क्या करेगा वो? आत्महत्या कर लेगा, और हो रहे ये केस। आप बोलेंगे सर 3 महीने बाद फिर फाइट करेगा, तो 3 महीने बाद ये 200 दिन जाएंगे, 400 हो जाएंगे, 6 महीने बाद 800 हो जाएंगे, 12 महीने बाद 1,000 हो जाएंगे। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, आज से समझ में आ नहीं रहा है, करोगे क्या? सर
क्यों क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? तो आप लोग रिएक्शन नहीं दे रहे थे, चुपचाप चुपचाप बैठे देख रहे हो। आई रिपीट अगेन, नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, आपके पास है नहीं, उधार लेकर भी आ जाओगे तो काम चलता नहीं, थोड़ा साइड देता है, पब्लिक के बिचारे में मजा आता है। आज सीएम आपको समझ में आ गई ना, हमारा हल्दी धनिया मिर्ची आपको जहर नजर आता है, फ्रेंड्स करेंगे क्या? मैडम सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कभी सोचा आप लोगों ने बैठ के इस कंपटीशन के दौर के अंदर हमारा बच्चा सुबह से शाम तक पढ़ाई करता है, मेहनत करता है नौकरी के लिए, और जब उसे काम नहीं मिलता तो 6 महीने बाद वो हमारा बच्चा हमें दुश्मन लगने लग जाता है। कारण नौकरियां है नहीं। गलती किसकी, बेटे की या सिस्टम की? सिस्टम का काम है नहीं, सरकार एक हम अनेक, किस किस को काम देगी? काम बचा नहीं है, नौकरियां बची नहीं है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, सास बहू को पसंद नहीं करती, बहू जेठानी को पसंद नहीं करती, जेठानी ननद को पसंद नहीं करती, सब पागल हो रखे हैं, पैसे के पीछे, पैसा है नहीं, काम धंधा बचा नहीं है, भाई भाई को नहीं देखता, प्रॉपर्टी है, लड़ने वाले अनेक। वक्त तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, जनसंख्या तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है, कॉम्पिटिशन तेजी से बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिसका हमारे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। 50 साल पहले जो मार्केट के अंदर सिलेंडर 50 रुपए में मिलता था, सिलेंडर 1000 हो गया। 20 साल पहले जो सब्जी मार्केट में रुपए किलो मिलती थी, वो सब्जियां 100 रुपए किलो पहुंच गई। 20 साल पहले मार्केट में दालें और राशन का सामान हमें 1-2 रुपए में मिल जाता था, वो 200 रुपए पहुंच गया। महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम वही की वही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम वही की वही है। डिसीजन नहीं लिया तो हम पीछे रह जाएंगे। मैंने बोला था 40-50 साल के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, महंगाई का ग्राफ आसमान छूता जा रहा है, हमारी इनकम वही की वही रह गई। इनकम को हम बढ़ा नहीं सकते, महंगाई को रोक नहीं सकते, सपने इतने हुआ करते थे इतने हो गए। पहले बारातों को रोका जाता था हमारे गांव के अंदर 5-5 दिन, 5 दिन खाना खिलाते थे, अभी बारात सुबह आती है शाम को 5 घंटे। आने वाले समय के अंदर बारात आएगी नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर खाना जाएगा, व्हाट्सएप पे कार्ड जाएगा, बिल भेजना। अगर हर चीज इस तरह की हो जाएगी फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? कभी सोचा आप लोगों ने अपने घर में बैठ के ये चीजें? चलिए छोड़िए, मैं एक सवाल अक्सर करता हूँ, आप लोगों से भी कर लेता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज आप लोग सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे घर से निकलते हैं,
और आपको 5 बजे घर पर घुसते हैं, 12-12, 15-15 घंटे मार्केट के अंदर पैसे के पीछे भागते हैं। आज सन 2019 के अंदर आप लोगों को 20,000 रुपया कमाने के लिए 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ रहा है। आने वाले 20 साल बाद जब आपका बेटा 25 साल का हो जाएगा तब वो कमा लेगा आपके जितना पैसा, तब वो क्या करेगा? चलो हमें बता दो। आरसीएफ की तो बात ही नहीं करी अभी तक मैंने, तब वो क्या करेगा? नहीं, मत करिए आरसीएफ, नहीं करो आरसीएफ, सोचे मत एक बार के लिए। आप मुझे तो ये बताइए आरसीएफ नहीं करेगा तो क्या करेगा, मैं तो ये पूछ रहा हूं। क्या कह रहे हो? चोरी। चोरी, बहुत अच्छे, ये सिखाना बाकी रह गया। चलो भैया, कितने लोग अपने बेटे का शोर।